नमस्कार। स्वामी जी आज फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अन्य स्थानों की भेंट करने गए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा स्वामी जी यहाँ के प्रसिद्ध गोम्पा मंदिर व म्यूजियम देखने गए थे। सबसे पहले स्वामी जी ने अपने आश्रय स्थल के बाहर ही स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन लिए। आज के दिन की स्वामी जी की यात्रा एक नए ढंग से वो पहले कभी ना हुई ऐसी होने वाली थी। आज स्वामी जी इसी ऑटो रिक्शा में पूरा दिन ट्रैवल करने वाले थे। आज स्वामी जी सर्वप्रथम ईटानगर के प्रसिद्ध सुतिया राजाओं द्वारा बनाया गया ईटानगर का किला देखने गए। यह किला 14वीं से 15वीं शताब्दी का है। इसे पुरातत्विक विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। आज इस किले के केवल अवशेष रह गए हैं। ईटा किला, इसी के नाम से इस शहर का नाम ईटानगर पड़ा, अर्थात ईटों से बना हुआ किले का नगर। किले का परिसर बहुत ही निसर्ग रम्य व हवादार है। किले के चारों ओर विश्राम स्थल बनाए गए हैं, जहां से ईटानगर के पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हा किल्ल्याचा एवढाच परिसर, ही इकडची भिंत आणि ही इकडची कंपाउंड गॅलरी, ही भिंत असा हा किल्ल्याचा एवढाच परिसर आणि हा पूर्ण पोर्शन जाण्यायेण्याचा। किल्ल्यावरची काही क्षणचित्र, इथला जो राजा होता ईटानगरचा अरुणाचल प्रदेशचा, त्याच्या किल्ल्यावर मी आलेलो आहे फोर्टवर, आणि तिथून काही फोटोग्राफ्स घेतलेले आहेत। हा किल्ल्याचा मेन एंट्रीचा भाग। इस राज्य को पहले जितारी वंशीय राजाओं ने चलाया, फिर कुछ मध्यकाल के समय अहोम साम्राज्य ने इस स्थान पर शासन किया, जिनका शासनकाल लगभग 6 शताब्दियां है। स्वामी जी के पीछे दिखाई देने वाले वे ईंटों की संरचना ही आज बचे हुए ईंटों के अवशेष हैं। यह है ईटा किला से दिखने वाला शहर का खूबसूरत नजारा। इस प्रकार ईटा किले के परिसर में
प्रभातकालीन फेरी कर अब स्वामी जी उसी ऑटो रिक्शा से ईटानगर के अन्य स्थान देखने गए। इस वीडियो में दिख ही सकता है कि स्वामी जी किस प्रकार ऑटो रिक्शा में भी आनंद ही ले रहे हैं। स्वामी जी स्वयं को एकदम सामान्य मनुष्य की तरह रख कर ईटानगर में घूम रहे थे, परंतु उनका तेज कभी भी छुपता नहीं है। वे कहीं ना कहीं से ध्यान में आता है कि यह एक सिद्धात्मा है, हमारी तरह एक सामान्य मनुष्य तो कदापि नहीं है। अब स्वामी जी ईटानगर के हनुमान मंदिर में दर्शन लेने के लिए रुके। इस आधुनिक हनुमान मंदिर के कुछ क्षण चित्र हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन लेकर अब स्वामी जी दूसरे जगह पर गए। ये सब जगह जो स्वामी जी आज घूम रहे थे, वे सब इस ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर थे उन्होंने स्वयं स्वामी जी को बताया कि मैं आपको यहाँ के ईटानगर के सब मंदिरों में ले जाता हूँ। स्वामी जी ने उसकी बात को मान्य किया और वे उसके साथ निकल पड़े। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, परंतु सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश भी यही है। अरुणाचल प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या ईटानगर और नाहरलगुन में ही बसी है। उसमें से आज स्वामी जी ईटानगर की इन सड़कों पर ईटानगर के अनेक मंदिरों में घूम रहे थे। इस प्रकार स्वामी जी लिंगालय सेवा आश्रम पहुंचे। यह आश्रम भगवान शंकर को समर्पित है। इस आश्रम को चलाने वाली यह बूढ़ी औरत है। इन्होंने भगवान शंकर को अपना सर्व जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी ने जब उनसे बात की तब उन्हें पता चला कि उनका यह हेतु है कि लोग यहाँ आए, भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर को जानें। जो धर्म का नाश हो रहा है उस धर्म की रक्षा के हेतु उन्होंने यह आश्रम बनाया है, केवल और केवल शंकर जी के भक्तों के लिए। स्वामी जी ने यहाँ के कुछ वीडियो निकाले हैं। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि यहाँ भक्त किस प्रकार आएंगे, तो उस बात पर स्वामी जी ने उन्हें बहुत सारी बातें समझाई कि वे किस प्रकार भक्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने आश्रम को भगवान शंकर के भक्तों से भर सकते हैं। स्वामी जी हमेशा ही ज्ञान दान करते रहते हैं और केवल दान ही नहीं ज्ञान ग्रहण भी करते हैं। स्वामी जी की यह भ्रमंति यही बताती है कि इच्छाएं अनंत है, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, अपितु त्याग की भावना सर्वश्रेष्ठ है, इससे मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार आज ऑटो रिक्शा में हुई स्वामी जी की ईटानगर की भ्रमंति बहुत ही शांतमय रही। अगले दिन स्वामी जी ईटानगर से निकलकर जीरो की ओर बढ़े। जीरो यह अरुणाचल प्रदेश के एक शहर का नाम है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। ईटानगर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा लखीमपुर में स्थित है व गुवाहाटी में। निकटतम रेलवे स्टेशन नाहरलगुन है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचने के लिए NH-15 आसाम के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है व यहीं से बस सेवाएं भी अच्छी तरह उपलब्ध है।
सबसे महत्वपूर्ण ईटानगर या अरुणाचल प्रदेश के किसी भी जगह जाने के लिए इनर लाइन परमिट की सख्ती से आवश्यकता रहती है। धन्यवाद।